हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू। आज हम बनाएंगे मुहर्रम की एक स्पेशल रेसिपी मलिदा, जो खाने में बहुत बहुत टेस्टी होता है और साथ के साथ बहुत हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मलिदा बनाने की यह रेसिपी। तो यहाँ पर मलिदा बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये दो गेहूँ के आटे के पेड़े और ड्राई फ्रूट में लिए हैं 2 चम्मच के करीब बारीक कटे हुए बादाम, 1 चम्मच के करीब बारीक कटे हुए पिस्ते, 2 चम्मच के करीब बारीक कटे हुए काजू और मलिदा के खट्टे मीठे फ्लेवर के लिए ली है मैंने थोड़ी सी किशमिश। और मलिदा में एक अच्छी खुशबू और एक अच्छे टेस्ट के लिए ली है मैंने 6 से 7 हरी इलायची, जिसे हम कूट कर पाउडर बना लेंगे। 2 चम्मच के करीब खरबूजे के बीज और मलिदा को मीठा करने के लिए बूरा। अगर आपके पास ऐसी पाउडर शुगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसकी जगह आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवश्यकता अनुसार देसी घी, टेंशन ना लें, इतना नहीं डलेगा। और थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ गोला, और इस रेसिपी के लिए ग्रेट करे हुए गोले का यूज़ करें, नारियल के बुरादे का यूज़ ना करें, इसलिए कि ग्रेट करे हुए गोले का टेस्ट इस रेसिपी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मलिदा बनाने के लिए एक ऐसे पेड़ा उठाएंगे और पेड़े को गोल गोल बेलकर एक ऐसे पराठा बनाएंगे। आप यहाँ पर पराठे की शेप की फिक्र मत करिएगा, इसलिए कि फाइनली हमें इसे क्रश करना है इसलिए। और देखिए, मैंने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब पराठे में हमें यहाँ पर लेयर बनानी है, तो लेयर बनाने के लिए पराठे पर अच्छे से देसी घी लगाएंगे। और यहाँ पर प्योर घी लगाने से हमारा पराठा बहुत ही खस्ता बनेगा, और जब हमारा पराठा खस्ता बनेगा तो हमारा मलिदा भी खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो अब मैं पराठे को इस तरीके से रोल करके इसमें लेयर बनाऊंगी, और आपको पराठे में जिस तरीके से लेयर पसंद है तो आप उस तरीके से पराठे में लेयर बना सकते हैं। और फिर से पेड़े को आटे में डस्ट करेंगे और इसे पराठे की तरह बेल लेंगे। और देखिए, पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो इसे रख देते हैं एक ऐसे प्लेट में, और सेम प्रोसीजर से दूसरे पेड़े का भी ऐसे ही पराठा बनाकर तैयार कर लेंगे। और देखिए, मैंने दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए फटाफट से पराठों को सेक लेते हैं। तो अब आप सब पैन को देखकर कह रहे होंगे कि पराठा सेकना है तो तवे की जगह पैन क्यों रख दिया नीतू? तो पैन में हमारे एक साथ 2 काम हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी भुन जाएंगे और पराठा भी सिक जाएगा इसलिए। तो पैन हल्का सा गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और पैन में डाल देंगे बादाम और काजू, और लो फ्लेम पर काजू बादाम पर हल्का पिंकिश कलर आने तक भून लेंगे। और यहाँ पर हमें काजू बादाम का कलर नहीं बदलना है, तो काजू बादाम का हल्का सा कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पर किशमिश को भी डाल देंगे और साथ में ही थोड़े से पिस्ते भी डाल देंगे। 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को भून लेंगे। और देखिए, ड्राई फ्रूट हमारे भुन गए हैं और देखिए किशमिश भी हमारी कितनी अच्छे से फूल गई हैं। तो अब फटाफट से गैस को कर देते हैं बंद और जो हमारा गोला बचा हुआ था उसे डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे खरबूजे के बीज। और गोला और खरबूजे के बीजों को भूनने के लिए गैस ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमें गोले का कलर नहीं चेंज करना है, गोला हमारा उसी में भूनकर तैयार हो जाएगा जितनी पैन में हीट है इसलिए। तो देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट कितने परफेक्ट भुनकर तैयार हुए हैं। तो ड्राई फ्रूट को फटाफट से निकाल लेते हैं एक ऐसे प्लेट में और दोबारा से गैस ऑन करेंगे और इसी पैन में हम पराठे भी सेक लेंगे। तो पैन पहले से ही चिकना हो रहा है तो पैन में पराठा डाल देंगे, और जैसे आप पराठा सेकती हैं तो पराठे को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से उलट पलट कर सेक लेंगे। और देखिए, पराठा हमारा दोनों साइड से अच्छा गोल्डन सिक गया है। तो इसे फटाफट से प्लेट पर निकाल लेंगे और सेम प्रोसीजर से दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों पराठे सेक लिए हैं।
और पराठे देखने में ही आपको क्रिस्पी और करारे दिख रहे होंगे। और इतना ही नहीं, जो हमने पराठे में लेयर बनाई थी वो भी कितनी अच्छे से निकल कर आई हैं, ये देखिए ऐसे। और अब हमें कुछ और नहीं करना है, तो पराठे को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, देखिए ऐसे। और अब एक ऐसा मिक्सी का जार लेंगे और सारे पराठे के टुकड़ों को ऐसे जार में डाल देंगे और जार का ढक्कन बंद करके मिक्सी को 2 से 3 मिनट के लिए चला देंगे। और हमें पराठे का एक फाइन पाउडर जैसा नहीं पीसना है, हमें पराठे को दरदरा पीसना है, तो ध्यान रखें। और देखिए पराठों को हमने ग्राइंड कर लिया है और पराठों को आपको ऐसा दरदरा पीसना है, तो ध्यान से देख लीजिए ऐसा। तो अब हम इसे पलट देते हैं इस बोल में। अब इसमें कुछ चीज़ें मिक्स करेंगे, तो पहले डालेंगे भुने हुए ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर, और मरीदा को मीठा करने के लिए डालेंगे इसमें बूरा। एक पराठे के लिए हम यहाँ पर 2 चम्मच बूरा डालेंगे, मतलब 2 पराठों में हम 4 चम्मच बूरा डालेंगे। और अब हमें इसमें कुछ और नहीं डालना है, तो सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए मलीदा में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और मलीदा के ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ग्रेट करा हुआ गोला और थोड़े से पिस्ते। और ये देखिए मलीदा हमारा एकदम तैयार हो गया है, और हमारा मलीदा देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। और मलीदा को मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाती हूँ कि हमारा मलीदा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और मलीदा को मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कि मलीदा हमारा कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। और फ्रेंड, मलीदा खाने में बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है, तो इस मलीदा की रेसिपी को मेरे तरीके से इस मुहर्रम पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट में बताना ना भूलें कि ये मलीदा की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, जब तक के लिए बाय बाय।